नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आप सभी को पता है कि सिम्बायोसिस जो एक बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है और बहुत से छात्र सिम्बायोसिस में अपना दाखिला कराने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, कड़ी मशक्कत करते हैं और उसके बाद भी सिम्बायोसिस में आने का मौका मिलता है। और आज इसी सिम्बायोसिस कॉलेज की रिप्रेजेंटेटिव वीना परसनानी जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारी इस खास मुलाकात में, जिनसे आज हम बात करेंगे उनकी एक स्पेशल प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट के बारे में। पर सबसे पहले सवाल मेरा आपसे वीना जी यही है कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताएं। खैर, मुझे जितना पता है कि मैम एक साइंटिस्ट भी रह चुकी है मुंबई में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साथ ही इन्होंने मास्टर्स किया है इन कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी। स्वागत है आपका और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग। माई नेम इज़ वीना परसनानी और मेरा एजुकेशन इज़ मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी फ्रॉम LAD कॉलेज। मैं साइंटिस्ट हूँ फ्रॉम मुंबई इन एशलैंड कंपनी, देन एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर एंड कंसल्टेंट फ्रॉम अ कॉस्मेटिक कंपनी। सो ये मेरा प्रोफाइल है। ओके, बस कहीं ना कहीं वीना जी, बहुत लोग जो है सिम्बायोसिस में आने के लिए तरसते हैं, मतलब हमेशा ही छात्रों का सपना रहता है सिम्बायोसिस में आने का और बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स भी सिम्बायोसिस की ओर से दिए जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सिम्बायोसिस के बारे में और जानकारी, ताकि जितने भी दर्शक और जितने भी युवा देख रहे हैं अगर वो भी सिम्बायोसिस में आना चाहते हैं तो उन्हें भी एक क्लियर पाथ मिले सिम्बायोसिस के बारे में। यस, सिम्बायोसिस कॉलेज ये 2019 से यहाँ पे हमारे नागपुर में ओपन हुआ है एंड फिर इसके बाद में बाकी सारे कॉलेजेस से लॉ रिलेटेड है, आर्किटेक्ट है, MBA है। सो सिम्बायोसिस अभी SCSD से हमारा ये स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। सो दिस इज वी हैव कम विद द सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। ओके, मतलब एक और पे आप जिस तरीके से कह सकते हैं वीना जी कि कहीं ना कहीं ये जो है पूरा कंपटीशन का युग हम कह सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या है। स्किल डेवलपमेंट इसीलिए ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट ने लाए हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं कि देखा जाए बहुत सारी टेक्निकल फील्ड्स है, लॉ रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग है और बाकी सारे हैं, तो अगर हम ये इंजीनियरिंग पार्ट करते हैं कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं कि वो हम रिपेयर नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल कि होम अप्लायंसेज हैं, ग्राइंडर्स हैं, व्हीकल्स हैं, अगर इसमें टेक्निकली हम जाते हैं तो आज भी वो बच्चे अपनी व्हीकल्स ठीक नहीं कर पाते। मतलब ये कह सकते हैं कि उनके पास बुकिश नॉलेज तो है बट प्रैक्टिकल नहीं है, कहीं कहीं वो लैक हो रही हैं। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द स्टूडेंट्स आर लैकिंग समवेयर, उनका जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं अंदर ही रह जा रहा है। सो स्किल डेवलपमेंट चाहता है कि आप ये कोर्सेस करके आपका जितना भी स्किल है हम उसे एनहेंस करें एंड फ्रॉम डे वन वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल्स, ताकि नॉलेज तो एक लिमिट तक उनके पास होता है बट अगर आपके पास नॉलेज, क्लाइंट्स को नॉलेज की जरूरत नहीं, क्लाइंट्स को चाहिए रिजल्ट्स, तो डे वन से हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट में एडमिशंस लेंगे उनसे डे वन से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ताकि उनको उसमें जो प्लस एंड माइनसेस है वो समझ में आता है। आप पहले थ्योरी नॉलेज पढ़ाएंगे फिर उनको प्रैक्टिकल्स पे लेके जाएंगे, एक वो गैप हो जाती है। तो डे वन से वो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो उन्हें वो उनका हैंड्स ऑन मिल जाता है। सो ये स्किल्स में बहुत जरूरी है। बुकिश नॉलेज तो हर जगह काम आता है बट जो हैंड्स ऑन है वो होना चाहिए, उसमें आपका नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। वीना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि सिम्बायोसिस क्यों इतना फोकस कर रहा है स्किल डेवलपमेंट में और ज़रूरत कितनी ज़्यादा है इसकी, आपने जिक्र किया था स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताएं कि आखिर किस तरीके से ये प्रोग्राम होने वाला है और आप इसके बारे में क्या जानकारी देंगे। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लाने का उद्देश्य तो मैंने आपको वही बताया कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी हो और शॉर्ट टर्म कोर्सेज इसीलिए डिज़ाइन किए हैं ताकि वो लर्निंग में ही अपने एक्सपीरियंसेस स्टार्ट कर सके और उसमें वो अपनी आइडियाज़ डेवलप कर सके, ताकि उन्हें समझे कि उन्हें भविष्य में करना क्या है, तो वहीं से वो सोचना स्टार्ट करते हैं और उस पर काम भी करना स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं स्किल डेवलपमेंट में कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमने जो शुरू किए हैं वो है ब्यूटी एंड ग्रूमिंग, देन उसके बाद है मोबाइल लैपटॉप रिपेयरिंग एंड CCTV इंस्टॉलेशन है,
नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड लीगल सर्विसेज. सो ये पांच ही क्षेत्र जो है एकदम डिफरेंट है, ऑल ओवर है. वो इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि हर क्षेत्र में बच्चे को ट्रेन होना ज़रूरी है. आज सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, लेडीज़ के लिए नहीं, पर लड़कों के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है. जैसे देखा जाए, कोरोना में 2 साल हम लोग घर पे थे, तो 2 साल में हर घर में एक मोबाइल था. राइट, अब हर घर में हर एक के पास 2 मोबाइल्स आ गए हैं. तो कहीं ना कहीं वो लैपटॉप, मोबाइल, इनका रिपेयरिंग बढ़ रहा है. तो अगर हमें देखा जाता है कि पूरे नागपुर में सेंटर एरिया में जाके ही हमें रिपेयरिंग करना पड़ता है, उसमें आने का और जाने का जो समय है वो काफी जाता है. अगर वो नॉलेज अगर घर के बच्चों को आ गया तो आपका वहाँ कहीं ना कहीं कॉस्टिंग भी हो रहा है. अगर वो एक बच्चा अपने एरिया में 5 से 10 मोबाइल और लैपटॉप का रिपेयरिंग करता है, सो उनका एक पॉकेट मनी जनरेशन हो जाता है, एक इनकम होता है और सीखने भी मिलता है, उन्हें सीखने मिलता है. सो ये पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल डेवलपमेंट ने ऐसे कोर्सेज स्टार्ट किए हैं. नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड पैरालीगल सर्विसेज. ये लॉ से रिलेटेड है, बट हर लॉयर ये सब चीज़ें नहीं करेगा. पर अगर बच्चों को हम इसमें ट्रेनिंग देते हैं तो वो अंडर लॉयर या फिर लीगल जहाँ पे प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर वहाँ पे बच्चा वहाँ काम करता है तो उसे एक्सपीरियंस आता है, फिर उसे आगे बढ़ने की इच्छा होती है कि मुझे कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना है. राह भी खुलती है कहीं ना कहीं. यस, वाइड एरिया उसे नॉलेज आता है और वो जिस एरिया में जाते हैं उन्हें एक्सपोजर भी मिलता है, 10 लोगों से मुलाकातें होती है, फिर उनके आइडियाज डेवलप होते हैं. ओके, सो उस रिलेटेड है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड पैरालीगल सर्विसेज. नेक्स्ट है ब्यूटी एंड ग्रूमिंग. ब्यूटी एंड ग्रूमिंग ये तो आप जानते हैं कि सब लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए आज तो ये क्रेज हो रहा है. आज हर कोई चाहता है कि अच्छा दिखे. सो हर किसी को नॉलेज आना चाहिए. सो उसी से रिलेटेड ये है कि हर लड़की और हर वुमेंस को एक अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, नॉट इवन इन ब्यूटी इंडस्ट्री, और ये एक प्रेजेंस होता है. उसी के लिए उसे नॉलेज होना ज़रूरी है. उस रिगार्डिंग ब्यूटी एंड ग्रूमिंग का ये जो शॉर्ट टर्म कोर्स है वो भी ओपन किया है, ताकि लड़की को ये समझना चाहिए कि हमें कौन सी सर्विसेज लेनी है, उसका मतलब क्या है पीछे. राइट, ताकि वो अपने लेवल पे सारी सर्विसेज दे. और उसी का भी एक होम सर्विस होती है, एक खुद का वेंचर होता है. अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो शुरू करके अपना वेंचर कर सकती है. और एक उसका इनकम जनरेट हो सकता है. धीरे धीरे उसके जितने कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा. मतलब ऐसा है कि आपने हर किसी के बारे में सोच के रखा है कि किस तरीके से उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट भी जल्दी मिले, पैसा भी साथ में आ रहा है, और बहुत सारी चीजें जो स्किल्स है उनके वो और डेवलप्ड हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे रास्ते खुल रहे, मतलब वाइड रेंज मिल रहा है उनको चीजों के लिए कहीं ना कहीं. मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहती हूँ. जिस तरीके से आपने स्किल डेवलपमेंट के बारे में इतनी सारी चीजें बताई, मतलब एम्प्लॉयमेंट को स्किल डेवलपमेंट से बहुत बार जोड़ा जाता है. जिस तरीके से आपने भी अभी बताया कि स्किल डेवलपमेंट की वजह से इतनी सारी जो राहें खुलती है, वेज मिलते हैं, उनके बारे में आप और क्या बताएंगे? मतलब एम्प्लॉयमेंट से स्किल डेवलपमेंट का कनेक्शन, इसके बारे में क्या बताएं? इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी, अगर किसी को एक इनकम जनरेट करना है तो वो बच्चा पहले सोचता है कि मैं एक एजुकेशन का कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा. सो ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, जिसके कारण वो कोर्स करने के कारण बाद में उसे उसकी आइडियाज़ क्लियर होती है, वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच सकता है, या फिर अगर उसे कहीं और एक्सपीरियंस जाके लेना है सो ही इज़ एलिजिबल टू वर्क देयर. हम सिम्बायसिस कॉलेज इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट ऑन कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स. द सर्टिफिकेट इट्सेल्फ इज़ अ NAAC accredited and A grade approved. सो ये सर्टिफिकेट उसे मिलता है तो एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली, अगर कोई पढ़ता है कि बच्चा फ्रॉम सिम्बायसिस से है, सो ही इज़ वेरी वेल ट्रेन्ड देयर अंडर द एक्सपर्ट्स, एंड उसे एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे मिल जाएगा. क्योंकि हम जो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज में हैं, हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंड वी आर लाइक 30% ऑफ थियोरी एंड 70% ऑफ प्रैक्टिकल्स के साथ दे रहे हैं. तो बच्चा वेल ट्रेंड है, उसे सारा नॉलेज है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस है, तो वो उसे एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही जाएगा. बट वी ऑलवेज फोकस ऑन, अगर वो बच्चा खुद का बिजनेस करता है और ही स्टार्ट्स ऑन ओन वेंचर, तो हम उसे भी सपोर्ट करते हैं. मतलब कहीं ना कहीं जितना बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे आप फोकस कर रहे हैं, और ये जरूरत भी है कि जिस तरीके से आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी चीजों में भी स्किल डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और कहीं ना कहीं अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा रहा तो आप आसानी से उन चीजों को कर सकते हैं. मैं जानना चाहती हूँ आपसे वीना जी कि आपके आगे के प्रोग्राम्स जो है सिम्बायोसिस से जुड़े या फिर स्किल डेवलपमेंट से जुड़े उनके बारे में.
हमारे आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं बी वॉक इन ब्यूटी एंड वेलनेस, दैट इज बैचलर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग डिग्री कोर्स, दैट विल बी इन ब्यूटी एंड वेलनेस फॉर 3 इयर्स. ओके, सो उसमें हमारे 3 साल का जो कोर्स होगा जिसमें हम पहला साल फोकस करेंगे फॉर अ ब्यूटी थेरेपिस्ट. ओके, देन सेकेंड ईयर जो हम फोकस करेंगे फॉर हेयर स्टाइलिस्ट, एंड थर्ड ईयर जो हम फोकस करेंगे दैट विल बी एडवांस लेवल ट्रेनिंग, जो हम इसमें एज ही कैन बिकम अ योगा ट्रेनर, he can become a dietitian, he or she can become like a beauty therapist, beauty expert, he can become hair expert, or he can become overall expert. Okay. जिसे पूरा ही वाइड एरिया का नॉलेज हो. सो इन इसमें ये कोर्स में एक प्लस पॉइंट ये है कि वी कैन हैव मल्टीपल एंट्रीज भी होगी एंड एग्जिट्स भी होगी, बच्चा एक साल पे भी कर सकता है. सो हमने वो फैसिलिटी इस कोर्स में वो स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा. ओके, मतलब कहीं ना कहीं आज स्टूडेंट्स के हित के लिए जिस तरीके से हमेशा सिम्बायोसिस काम करता है, इसी कड़ी में जो फ्यूचर प्रोग्राम्स आपने बताए कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए, और अभी भी जो आप फ्यूचर प्रोग्राम्स लाई है उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, उनकी डेवलपमेंट को लेके काम करेगी, और ऑब्वियसली उनके करियर के लिए एक अच्छा बूस्ट भी हो सकता है कह सकते हैं. मैं आपसे एक आखिरी सवाल जो वीना जी पूछूंगी, आप सभी जितने भी तमाम दर्शक उसमें खास तौर पर युवा जो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, उनको क्या अपील करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी सिम्बायोसिस सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक बहुत ही अच्छे कोर्सेज आपको दे रहा है. मैं चाहती हूँ कि सारे हमारी जो युवाएं हैं, युवाएं के साथ कुछ कुछ होम लेडीज़ भी है जो इंटरेस्टेड होंगे, आज भी उनमें जो स्किल्स है कुछ कारण से वो नहीं कर पाए होंगे, सो वो भी आज हमारे स्किल डेवलपमेंट के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो एडमिशन्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारी ये जो कोर्सेज़ है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कोर्सेज 1 महीने के लिए है, तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, नो एजुकेशन लिमिट देयर. ओके, एंड इसका जो फीस है दैट इज़ वेरी लाइक दे कैन अफोर्ड फॉर द फीस, वो है 10,000. सो जितने भी अभी तक मैंने जो कोर्सेज बताए हैं बी वॉक को छोड़ के, वो सारे इसमें 10,000 के हैं. सो आप भी ले सकते हैं, अगर आप अभी भी आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो आप फ्यूचर में करना चाहती है, आप में अगर वो स्किल्स है, सो सिम्बायसिस इज ऑलवेज वेलकमिंग फॉर योर स्किल्स, और हम यहाँ पे आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए हैं. एंड मैं चीज़ बोलना चाहूँगी कि एक वेंचर के लिए जो चीज़ लगती है आपको पूरी तरह से यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा. ओके, क्योंकि जैसे ब्यूटी एंड फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड ग्रूमिंग जो कोर्स हो रहा है उसमें आपको मशीन्स लाने की जरूरत नहीं है. ओके, हमारा जो सेटअप है वो पूरा सैलॉन सेटअप है. ओके, सो इन उन्हें आइडिया आएंगे कि सैलॉन में क्या चीज़ें होती हैं, आपको बिजनेस डेवलप करनी तो क्या होना चाहिए, अपग्रेडेड मशीन्स हैं. सो जो भी स्टूडेंट होगा उन्हें सारा मशीन्स का हैंड ओवर किया जाएगा. सो वॉट आर द मशीन्स दैट आर यूजिंग इन लैब्स, तो वो हम यहाँ पे उनको सिखाएंगे जिसपे हैंड्स ऑन होगा, एक्सपीरियंसेस आएंगे, और जो भी आप सर्विसेज दोगे वो ट्रीटमेंट बेस में देके आपके इसमें क्लाइंट सर्विसेज बढ़ सकती है, उसका आपको बहुत बेनिफिट होगा. तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादातर जिनमें आज भी स्किल्स हैं कहीं इच्छाएं रह गई हैं वो भी आज यहाँ पे ये कोर्स कर सकते हैं. मतलब सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि एज लिमिट कोई भी नहीं है, मतलब एजुकेशन लिमिट भी नहीं है, एजुकेशन लिमिट भी नहीं है. तो अगर आप में बस स्किल्स है और आप में कुछ कर गुजरने का जुनून है तो आप आइए सिम्बायोसिस, इनका स्किल डेवलपमेंट कोर्स लीजिए जो कहीं ना कहीं आपको ही एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा, आपके स्किल्स को डेवलप करेगा, साथ ही बहुत सारे रास्ते जो ऐसा लगता है आपको बहुत बार की बंद हो चुके वो भी खोल देगा सिम्बायोसिस. तो मतलब जिस तरीके से कोर्सेज यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के बताए हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको. थैंक यू सो मच वीना जी आपके साथ जो यहाँ पे बातें हुई, जिस तरीके से आपने स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया, साथ ही सिम्बायोसिस से जुड़े जितने भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उसके बारे में बताया, थैंक यू सो मच. और निश्चित ही ये सारी जितने भी प्रोग्राम्स आपने बताए वो हमारे तमाम दर्शक, जिस तरीके से आपने कहा कि किसी भी एज के पाबंद ना और किसी भी एजुकेशन लिमिट के पाबंद ना, ऐसे सभी दर्शकों को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. थैंक यू सो मच, इट वॉज ग्रेट प्लेजर हैविंग यू हियर. एंड आज की हमारी इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे खास मुलाकात के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BCN News. नमस्कार.